हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। रिलायंस कैपिटल शेयर के बारे में बात करेंगे। 8.86 करेंट प्राइस है एंड लास्ट सेशन में -1.56% का दिया है नेगेटिव रिटर्न। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस शेयर में CIRP चल रहा है एंड उसी को लेकर एक न्यू इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है, तो ये दोनों अपडेट्स एंड नेक्स्ट टारगेट आप क्या देख सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। हाई बनाया है 9.15 का लास्ट सेशन में, लो है 8.81। 52 वीक हाई है 18 रुपीज़ एंड लो है 7 रुपीज़। 5% का बैंड है सेबी की तरफ से। टर्नओवर की बात करें तो 10 लाख है, मार्केट कैप है 223 करोड़ का। फंडामेंटल्स देखिए, सब नेगेटिव हैं। EPS है -13, PE है -0.65, ROE है 3.83। इन्वेस्टमेंट सेक्टर से बिलोंग करता एक पेनी स्टॉक है। 20 अप्रैल को 2 न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। सबसे पहले हम CIRP से रिलेटेड ही ओपन करते हैं, आउटकम ऑफ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो आपको पता है फ्रेंड, जब किसी शेयर में CIRP हो जाता है तो उसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती है फिर फ्रेंड्स, एंड काफ़ी रिस्की शेयर है ये। अगर कोई भी न्यू इन्वेस्टर्स है उनको नहीं पता तो उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यहाँ पर। तो फ्रेंड, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी, पोस्ट फैक्टो इंटीमेशन ऑफ 41 मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर। तो 41 मीटिंग है ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, एंड इन्होंने मैंशन किया है दिस इज़ द रिफरेंस टू आर इंटीमेशन डेटेड December 7, 2021 रिगार्डिंग द CIRP, एंड वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द 41 मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी वॉज ड्यूली कन्वेंड एंड कंडक्टेड ऑन Thursday 20th April एट 11:30 मॉर्निंग इन मुंबई। तो 20th April को हुई है मॉर्निंग में मुंबई में, एंड उसका क्या आउटकम निकला है। एट द अफोरसेड मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी अप्रेज द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर। तो उन्होंने प्रेस किया है अबाउट द स्टेटस एंड द वे फॉरवर्ड टू CIRP प्रोसेस। तो एक प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सही चल रहा है, इसी के लिए उन्हें प्रेस किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब ऐसी मीटिंग्स बैक टू बैक होंगी, एंड ये शेयर रिस्की है, इसमें बीच बीच में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, बंद भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको जो भी कोई न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू कमर है इन द मार्केट, उन्हें एक पैनी स्टॉक देख के कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखाए, सब नेगेटिव है। अभी मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगी और मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊंगी, जिससे आप समझ जाओगे कि आपको कैसे शेयर से दूरी बना के रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं रिजल्ट कि कैसे रिजल्ट आते हैं इस कंपनी के। दिसंबर क्वार्टर, मतलब ये जो क्वार्टर चल रहा है उसमें आया 77 करोड़ का लॉस, और सितंबर में था 25 करोड़ का लॉस। तो देखिए लॉस कितना बड़ा, एनुअली भी 1000 समथिंग अराउंड करोड़ का लॉस है कंपनी को। तो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए काफ़ी रिस्की है। अब आप ये देखेंगे कि ऐसे शेयर्स में प्रोमोटर्स भी निकल जाते हैं। देखिए दिसंबर में जहां प्रोमोटर होल्डिंग थी 0.88%, अब रह गई 0.17%, तो वो भी निकल चुके हैं। तो आप समझिए ऐसे शेयर्स अच्छे नहीं होते। पब्लिक हो गई है 99.19%। अभी मैं आपको डिटेल में न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझाती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। टारगेट फ्रेंड्स, आप मंडे के लिए डाउन ट्रेंड ही लेके चलिए, ये 7 रुपीज़ तक जा सकता है, 7 रुपीज़ तक का टारगेट लेके चलिए, और अगर आप प्रॉफिट में है तो निकल जाना बेहतर है इस शेयर से, क्योंकि ये रिस्की होते हैं, इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है फिर आप निकल भी नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये है न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च का। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग रह गई 0.17%, जो पहले थी 0.89%, तो कम हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। FII भी निकल गए हैं, FII की होल्डिंग रह गई 0.14%, जो पहले थी 0.40%। तो FII भी निकल गए, प्रोमोटर भी निकल गए, DII सेम है 3.07% और गवर्नमेंट भी सेम है 0.02%। बट प्रोमोटर्स निकल गए, FII निकल गए हैं, तो शेयर अब काफ़ी रिस्की है। आई होप आपको न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न डिटेल में समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलायंस कैपिटल, जो 2 न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है एंड न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है।
नेक्स्ट टारगेट भी आप 7 रुपीज़ तक जाएगा शेयर, आप कंसिडर करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच।